ये जानने के लिए, मैं इसके आगे कुछ नहीं बता पाऊँगी, सिर्फ ये बताऊँगी आपको कि हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास आए हुए हैं और मैं पहली बार किसी फिल्म या किसी शूट पर साइकाइट्रिस्ट के यहाँ आई हूँ. तो इट्स इंटरेस्टिंग. हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए साथ में, पर आई गेस ये टेलीविजन इंटीग्रेशन की स्क्रिप्ट जिस तरह से बनी है, आई वॉज रिक्वायर्ड, वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम सब इसमें ही जुड़े हुए हैं. इट्स वेरी नाइस टू हैव विद्या जी ऑन बोर्ड. ये है भगवती की शान बढ़ गई आज. आई डेफिनेटली थिंक और रादर अग्री विद करण. हम लोग यू नो, लोग हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए. मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कब हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सब बात कर रहे हैं, एंड बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ चॉइस. इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव द फ्रीडम टू चूज वॉट वी वॉन्ट टू डू. मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हूँ, मैं एक हद तक जानकारी पा सकती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या गया है, पर उससे ज़्यादा मैं वहाँ जाके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना तो नहीं सकती. तो एक हद तक जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं. रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि मांग औरत की होती है और सिंदूर पति के नाम का होता है, गला पत्नी का होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है, कलाई पत्नी की होती है, चूड़ियाँ पति के नाम की. सो आई थिंक ये सच्चाई है, ये रिलेट करने या ना करने की बात नहीं है. दिव्यांका इस शो में एक साउथ इंडियन प्ले कर रही है, ये जानकर मैं बड़ी खुश हूँ. ये है भगवती अभी नंबर वन के पायदान पर आ चुका है और इस शो में हमने बहुत मेहनत की है. जब हमने शुरुआत की थी तब सोचा भी नहीं था कि ये शो आज के दिन नंबर वन शो बनेगा. 11 o'clock पर एक्चुअली हमारा स्लॉट हमें पहले मिला था. सो आपको, आपने देखा है कभी हमारा शो? प्लीज़ देखिएगा. ऑफ कोर्स देखिए. एंड अगर कोशिश इस एपिसोड से मैं शुरुआत करूँगी, आप कोशिश कीजिएगा हॉटस्टार पे आप पहले एपिसोड देखिएगा. एंड स्पेशली क्योंकि इसमें तमिलियन काफ़ी सारे, मैंने तमिलियन कैरेक्टर प्ले किया है, यू रियली रिलेट टू इट. आई एम श्योर आई विल. यहाँ पे आप विद्या जी, मेरी भी एक अधूरी कहानी को ही पूरा करने आई है. हम एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी ननद की शादी परेशानी में है, मेरी ननद की शादी टूट सकती है. सो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो मेरे होने वाले नंदोई हैं या जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है, वो अच्छा फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट डिटेल आई डिडंट नो, ही इज माय एक्स बॉयफ्रेंड, एंड उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ जानना चाहती हूँ. एंड शी रियली हेल्प्स मी आउट, एंड विद्या जी के कहने पे मुझे बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है. लीप में कितनी सच्चाई है ये तो एकता जी बताएंगी. नहीं, कोई प्रेशर नहीं है मुझ पर, कभी कोई प्रेशर रहा ही नहीं मुझ पर, प्रेशर का असर ही नहीं होता. फिल्म में हम सब साथ में हैं, पर हम सब साथ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं. हम अलग अलग जगह पर ये फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, मैं टेलीविज़न पर आकर मैं कर रही हूँ.